हाजिर हूँ आपके बीच में एक नई वीडियो के साथ, जहाँ पे हम बात करेंगे उस ईमेल के बारे में जो कि सारे यूट्यूब के यूजर जिन्होंने चैनल बना रखा है, इवन उन्होंने एक भी वीडियो नहीं डाली है, तभी उनको ये मेल गया है। आज हम उसी मेल के बारे में बात करेंगे और इन डिटेल बात करेंगे, ताकि आपको जो वो कॉन्सेप्ट है, वो जो मेल है, वो क्यों है और किस लिए आया है, ताकि इसके बारे में पूरी जानकारी मिल पाए। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। तो मेरा नाम है त्रिलोक सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल मार्केट त्रिलोक पे। और आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन दबा के पहले सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो दोस्तों, जो ईमेल आ रहा है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, कुछ इस टाइप का ईमेल सबके पास आ रहा है, चेंजेस टू यूट्यूब टर्म्स ऑफ सर्विस, कुछ इस टाइप का। तो ये क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं तीन अलग अलग उन्होंने रूल्स के बारे में अपडेट्स बताए हैं। तो ये इसको हम लोग कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ अगर हम देखें यहाँ पे, यू आर रिसीविंग दिस ईमेल बिकॉज वी आर अपडेटिंग YouTube टर्म्स ऑफ सर्विसेज। इन्होंने क्या है जो अपडेट किया है, उसी के बारे में आपको अपडेट किया है यहाँ पे इस मेल के थ्रू YouTube ने। टू क्लैरिफाई आर टर्म्स एंड प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी टू आर यूजर्स, तो अपने यूजर्स को ये कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंसी देना चाहता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऊपर वाले पार्ट में क्या है कि ये जो है, दिस टर्म्स वेयर सिमिलरली अपडेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट नवंबर 2020। तो ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी उन्होंने नवंबर 2020 में अमेरिका में ऑलरेडी अपडेट कर चुके हैं और सेम जो है अब इंडिया में भी अपडेट करने वाले हैं। इसमें जो सबसे पहला पार्ट आता है, अगर आप देखें यहाँ पे, स्पेशली मैं इस पार्ट को बताता हूँ थोड़ा डिटेल में आपको। चलिए इसके बारे में सबसे पहले समझते हैं, फेशियल रिकॉग्निशन रिस्ट्रिक्शंस, ये क्या है। सबसे पहली चीज क्या है, द टर्म्स ऑफ सर्विस ऑलरेडी स्टेट दैट यू कैन नॉट कलेक्ट एनी इन्फॉर्मेशन दैट माइट आइडेंटिफाई अ पर्सन विदाउट देयर परमिशन। तो दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि आप किसी भी इंसान की कोई भी ऐसी चीज़ या ऐसी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके वीडियो में नहीं दिखा सकते हैं जिससे उस इंसान की पहचान हो पाए, चाहे उसका फेस हो, चाहे उनका नाम यूज़ करे, चाहे उनकी आईडी यूज़ करे, कुछ भी ऐसी चीज़ जहाँ से उनकी उनको आइडेंटिफाई किया जा सके, उस पर्सन को उनके परमिशन के बिना आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो उनके पास पूरा हक है कि आपकी वीडियो को रिमूव करा पाए। वाइल दिस हैज़ ऑलवेज इंक्लूडेड फेशियल रिकॉग्निशन इन्फॉर्मेशन, द न्यू टर्म्स मेक दैट एक्सप्लिसिटली क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ है कि वो पहले से तो अवेलेबल था, लेकिन अब क्या है, उन्होंने अब चाहते हैं कि ये जो डिटेल में एकदम क्लियरली बताया जाए कि आप ऐसा कोई भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन नहीं अपनी वीडियो में दिखा सकते हैं जिससे उस बंदे की पहचान हो पाए। सबसे पहला जो आप देख पा रहे हैं, अब मैं सेकंड वाले पे जाता हूँ। सेकंड वाले पे मैं जो बात है ये वाली है, YouTube राइट टू मोनिटाइज। YouTube के पास राइट्स है कि आपके चैनल को मोनिटाइज करने के, लेकिन इसका क्या, इन डिटेल में इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो YouTube हैज़ द राइट टू मोनिटाइज ऑल द कंटेंट ऑन द प्लेटफॉर्म एंड एड्स मे अपेयर ऑन द वीडियोज दैट चैनल आर नॉट इन द YouTube पार्टनर प्रोग्राम। तो इन्होंने कहा है कि YouTube के पास हमेशा उनका अधिकार है कि आप ये उनके जो प्लेटफॉर्म में जो भी वीडियो है उनको वो एड्स दिखा पाए और मोनिटाइज कर पाए, और एड्स उन चैनल पर भी चलेगी जिस पे जो चैनल्स अभी तक मोनिटाइज नहीं हुए हैं। एक्चुअली क्या होता था दोस्तों कि जब अब मोनिटाइज होता है चैनल, तो मोनिटाइज में जब एड्स रन होती है तो उसमें कुछ पैसा YouTube रखती है, कुछ परसेंटेज क्रिएटर को देती है, उसमें क्या होता है वो बढ़ जाता है पैसा। लेकिन अब क्या कर रही है कि जो अभी मोनिटाइज नहीं हुए, उन्होंने बहुत कंटेंट मेहनत करके बनाया, क्योंकि इनका पता है आपको 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए वहाँ पे, तो वो नहीं मिल पाता है, वो जब तक नहीं कंप्लीट करते तो मोनिटाइज नहीं हो पाएगा। लेकिन जब तक वो मोनिटाइज नहीं होगा, तब तक उस पर जो एड्स रन होगी उसका कम्प्लीटली जो पैसा है वो यूट्यूब के पास जाएगा। इसको थोड़ा डिटेल में अगर हम देखें, यहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है, थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। देखिए, राइट टू मोनिटाइज, ये इसके लिंक्स मैं आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि आप चाहे तो इन डिटेल पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ है राइट टू मोनिटाइज, यू ग्रांट टू यूट्यूब दैट द राइट टू मोनिटाइज योर कॉन्टेंट ऑन द सर्विस,
ठीक है, तो ये क्या है, आपने कह रहा है कि आपने यूट्यूब को अधिकार दिया है कि आपके वीडियो को या कंटेंट को मोनेटाइज कर पाए, इंक्लूडिंग डिस्प्लेइंग एड्स और विद इन कॉन्टेंट और चार्जिंग यूजर अ फी फॉर एक्सेस, चाहे वो मोनेटाइज करे आपके कंटेंट को डिस्प्ले एड डिस्प्ले करके या तो आपके यूजर से कुछ फी चार्ज कर पाए, ये उनका हक है, वो इनको यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं। दिस एग्रीमेंट डज नॉट इंटाइटल यू टू एनी पेमेंट्स, इसका मतलब ये है कि किसी तरह के भी पेमेंट के लिए आप हकदार नहीं होते हैं अगर वो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तो उससे जो भी आपको मोनेटाइज नहीं है तो आपका जो भी पेमेंट होगा वो कंप्लीट पेमेंट यूट्यूब रखेगा, वो आपको एक रुपये भी नहीं देगा स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जून 2021 से। ये ऑलरेडी ये जो आने वाला 1 जून 2021 है उसमें ये लागू हो जाएगा। अब हम दूसरे जो इसमें अपडेट्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। ये वाला जो है आप देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा और रॉयल्टी पेमेंट एंड टैक्स विथ होल्डिंग फॉर क्रिएटर इंटाइटल टू रेवेन्यू पेमेंट, सच पेमेंट विल बी ट्रीटेड एज अ रॉयल्टी फ्रॉम अ यूएस टैक्स पर्सपेक्टिव एंड गूगल विल विथहोल्ड टैक्सेस वेयर रिक्वायर्ड बाय लॉ। इसका मतलब ये है, देखिए जैसे तो आप अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है तो उस पर वो एड्स दिखाएंगे, उसका पैसा तो वो रखेंगे ही रखेंगे। अगर आपका चैनल ऑलरेडी मोनेटाइज है तो उस पर क्या होता है, वो अकॉर्डिंग टू यूएस टैक्स जो लॉ है उनके उनके हिसाब से ये जो है पैसा कमा रही है, रॉयल्टी है, और उसके हिसाब से जो भी उनको लगेगा उनका टैक्स बनेगा वो ऑलरेडी वो कट करेंगे आपके अर्निंग से अगर आपका चैनल मोनेटाइज है। और इसको क्या है, इसके लॉज है टैक्सेस के बारे में ऑलरेडी एक अपडेट आ चुकी है, उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको उसके ऊपर वीडियो बना के दे दूंगा। अब लास्ट पार्ट जो ये तो समझ गया कि रॉयल्टी है, पहला चीज़ सबसे पहला कि किसी का आप मैं तीन को एक बार शॉर्ट में बताता हूँ, फेशियल रिकॉग्निशन रिस्ट्रिक्शन, मतलब आप किसी की पर्सनल आइडेंटिटी अपने वीडियो पे शो नहीं कर सकते बिना उसके परमिशन के, पहला। दूसरा, यूट्यूब का आपके पास पूरा अधिकार है, आप अगर आपका चैनल नहीं मोनेटाइज हुआ है फिर भी आपके चैनल पे ऐड रन करने का और उससे जो भी पैसा आएगा वो कंप्लीट पैसा उसको रखने का आपका उनका हक है और आप उस पैसे के हकदार नहीं होंगे अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तो। पहले क्या सिस्टम था, पहले आपका चैनल का मोनेटाइज नहीं तो उस पर ऐड रन नहीं होते थे, अब रन करेंगे और उसका पैसा वो ले जाएंगे। तीसरी बात, रॉयल्टी, तो जो भी आप अगर ऑलरेडी आपका चैनल मोनेटाइज है तो आपके मोनेटाइज होने के बाद क्या होता है कि आपका जो पैसा आता था वो उसको कंसिडर करेंगे रॉयल्टी के बेसिस पे और उसके ऊपर वो टैक्सेस कट करेंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ US, ठीक है, US के लॉ के हिसाब से वो पैसा कट करेंगे। और जो ये रूल है, ये जो अपडेट्स हैं, इंडिया में 1 जून 2021 को लागू होगी और इससे पहले अमेरिका में हो चुकी है, नवंबर 2020 में ऑलरेडी हो चुकी है। बस ये इतना है इसके बारे में। और आपको ये अपडेट्स कैसे लगे, चेंजेस कैसे लगे, मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और कोई सजेशन है तो वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आज का जो वीडियो है आपका, ये जो मेल्स के ऊपर मैं काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर किया होगा, किस तरह का डाउट हो तो मुझे पूछिए। और आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।